Yes, students. I was telling you that cost of debt is the interest payable to the debenture holder. So that in both the cases, we have 10%. Now I told you that same formula which we did in our accountancy for ROI, we will be applying here. Or formula kya tha? EBIT divided by capital employed in 200. So main X Limited ka pehle ROI nikal rahi hu. X Limited ka EBIT kitna tha? 4 lakh. Capital employed dono ke case mein kitni hai? 30 lakh. Into what 100? So let's see how many zeros we can cancel. 5. Done. 2. 15. So 200 divided by 15. We will be having 13 point into 100. Ho gaya wo to 100 hai na? So it comes to me 13.33. It means ke you are earning more and you are paying less to your debenture holders in case of X Limited. That's why your EPS tends to increase every time. लेकिन अगर आप 20 लाख से ज्यादा के डिबेंचर रेस कर दोगे तो हो सकता है कि आपका EPS डाउन आना शुरू हो जाए. So 2:1 मतलब डबल देन इक्विटी से ज्यादा कभी मत सोचना अपने डेट्स को रेस करने के बारे में. जब मैं वाई लिमिटेड का केस देखती हूँ, हियर आई हैव वाई लिमिटेड केस, और मैं उसका आरओआई निकालती हूँ, उसके आरओआई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एबिट उसका 2 लाख है और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख ही है इनटू 100, तो इसी का हाफ हो जाएगा ना. सो उस केस में 6.67, कंपनी खुद 6.67 अर्न कर रही है और डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस कर रही है 10% देने का. यहाँ पे आरओआई इज शॉर्टर और स्मॉलर देन योर कॉस्ट ऑफ डेट, तभी आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है. तो पहले अपनी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी देखना, हमेशा अपने आरओआई का कॉस्ट ऑफ डेट के साथ कंपैरिजन करना. इफ योर आरओआई इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ डेट, देन यू कैन अफोर्ड टू रेज मोर डेट, अदरवाइज आप ज्यादा डेट कभी भी रेज नहीं करोगे. तो दिस इज अ वन फैक्टर. इसके बाद उसने बहुत सारे और फैक्टर्स आपको बताए हैं, वेदर टू रेज मोर डेट और मोर इक्विटी. सो ही मेड अ डिफरेंट टॉपिक इन योर बुक, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इधर आई शुड गो विद मोर डेट or I should raise more equity, how I will be deciding about it? We have certain considerations which are to be kept in to mind before going to raise your borrowed funds or owner's funds. So we have different points. First, who will tell me about the cash flow position? Agar aapki cash flow position solid hai, to aap jyada debt raise karna pasand karoge ki jyada equity? Who will tell me the logic? Read the content written in your book and then tell me. Yes, anyone who really understands this point, he or she may raise hand. Maulik, chalo aap bolo. Maulik, unmute yourself. Good morning, ma'am. हाँ, good morning, ma'am. अगर आपकी cash flow position solid है, आप ज़्यादा debt raise करोगे या ज़्यादा equity? और क्यों? Ma'am, debt. Why? And how? Debt because we can pay the interest on debt easily. हाँ, बिल्कुल ठीक है. बिकॉज हमारे पास कैश की शॉर्टेज नहीं है. मालिक ने रिटर्न में भी यही आंसर दिया, हमारे पास कैश की शॉर्टेज नहीं है, हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, उस केस में हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट उनका टाइम पे कर सकते हैं. सो वी कैन गो विद मोर लोन, वी कैन गो विद मोर डिबेंचर्स, राइट? तो पॉइंट इज क्लियर. कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है. दो एक्सट्रीम पॉइंट है, वेदर टू गो विद द मोर ओनर्स फंड्स और मोर योर बोरोड फंड्स. सो इन दैट केस यू कैन रेज मोर डेट्स, राइट? देखो उसने जो लिखा है वो जरा पढ़ते हैं, ठीक है? उसने थोड़ा घुमा फिरा के वर्डिंग लिखी है, वी विल रीड दैट, क्योंकि इसमें से ही कैन पिक द पॉइंट एंड ही कैन फ्रेम द क्वेश्चन. साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, अब कैश फ्लो का चैप्टर भी हम कर रहे हैं. प्रोजेक्टेड मींस आने वाले टाइम में हमारे पास कैश का क्या पोजीशन होगी, मींस इनफ्लोज कितने होंगे, आउटफ्लोज कितने होंगे. प्रोजेक्टेड का मतलब एस्टिमेटेड. कैश फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग. कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस बट देयर मस्ट बी सम सफिशिएंट बफर. मतलब डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद भी आपके पास सरप्लस ऑफ कैश हो, क्योंकि आपने बहुत सारे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसमें से पे करने हैं. बफर मीन सरप्लस ऑफ कैश यू शुड ऑलवेज इन हैंड. बोलते हैं ना, बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए. वर्किंग कैपिटल मीन कैश इन हैंड का एक मेजर कंटेंट आपके हाथों में होना चाहिए, ताकि डे टू डे एक्सपेंसेस आप इजिली मीट कर सको. इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड द कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस फॉर. अपने नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए आपको पेमेंट करनी होती है. फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने को आपको पेमेंट करनी होती है. फॉर मीटिंग द डेट सर्विस कमिटमेंट,
डेट को टाइम के ऊपर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट करनी होती है. सो दीज थिंग्स यू नीड मनी. और अगर आपके पास सरप्लस कैश है, आप इजिली अपने डिबेंचर होल्डर्स को और लोन जो बैंक से ले रखा है उन्हें इंटरेस्ट पे कर सकते हो. तो डायरेक्ट रिलेशन है. सॉलिड कैश फ्लो पोजिशन और मोर इनफ्लोज ऑफ कैश विल लीड टू मोर बोरोइंग. इफ यू आर हैविंग द वीकर कैश फ्लो पोजिशन देन यू विल बी रेजिंग मोर इक्विटी, क्योंकि उनको डिविडेंड देना इज नेवर अ कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सेकेंड वाला पॉइंट मैं हमेशा लास्ट में करवाती हूँ. आईसीआर है, बाद में करेंगे. सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, फॉर्मूला बेस्ड है, बाद में करते हैं. पहले डायरेक्ट वाले पॉइंट करते हैं. फोर्थ पे आओ. आरओआई, हु विल टेल? अभी बताया, अगर आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगी तो आप ज्यादा क्या रेस करोगे? अगर आरओआई लेसर देन कॉस्ट ऑफ डेट होगी तो आप ज्यादा क्या रेस करोगे? अभी पॉइंट डिस्कस किया आरओआई, एज वी हैव डिस्कस द केस ऑफ योर पब्लिक एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड के केस में योर आरओआई वॉज स्मॉलर देन योर कॉस्ट ऑफ डेट, बट इन केस ऑफ एक्स लिमिटेड इट वॉज रिवर्स. हु विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट? रसिका आप बोलो. यस रसिका, अनम्यूट करो. हाउ विल यू रिलेट दिस पॉइंट व्हाइल डिसाइडिंग टू रेज मोर डेट और मोर इक्विटी? रसिका आर यू हियरिंग? चलो सम्यक आप बोलो. सम्यक अनम्यूट करो. सम्यक अनम्यूट करो. एनी अदर वॉलंटियर? सुखमनी आप करो अनम्यूट. हाउ विल यू रिलेट आरओआई विद कॉस्ट ऑफ डेट? रुचिका आप करो अनम्यूट. सो दिस इज फोर्थ और फिफ्थ स्टूडेंट, आई एम आस्किंग देम टू अनम्यूट. रुचिका करो अनम्यूट. इज देयर एनी इश्यू ऑन योर पार्ट? यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ. जतिन महाजन आप करो अनम्यूट. आज सबको करते हैं चेक, ऐसे ही बैठे हैं. जतिन महाजन अनम्यूट करो. नहीं, साक्षी आप करो अनम्यूट. साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ. साक्षी शर्मा अनम्यूट करो. इफ आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट then we can raise more borrowed funds, but if reverse happen as it was happening in case of Y Limited where ROI is less than cost of debt, then we can't afford to raise more debt kyunki already hamare sir ke upar karze bahut chade hain, already hamara cost of debt zyada hai, hum earn kam kar rahe hain aur interest zyada pay kar rahe hain. So in that case we never recommend to raise more borrowings. So like that way you have to explain it. Agla point bhi related hi hai, cost of debt. A firm's ability to borrow at a lower rate, अगर मार्केट में आपको लोन सस्ते में मिलता है तो आप ज्यादा लोन रेज कर लेना, लेकिन अगर मार्केट से लोन लेना क्या है महंगा है, then no need to go with the loans, rather to raise more equity. कई बार होता है ना, कई बैंक के ऑफर है, there will be no complication, come to us within 5 minutes, we will be approving your loans. अगर कुछ इस तरह की फैसिलिटी आपके फेवर में है और बैंक इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं मार्केट में, यू कैन रेज मोर बोरोइंग. बट वंस द लोन इज बिकमिंग कॉस्टलियर, यू विल नॉट बी रेजिंग मोर डेट, यू विल बी डिपेंडिंग मोर ऑन इक्विटी. यस, अगला भी पॉइंट डिस्कस करने वाला है भाई, टैक्स रेट. हाउ टैक्स रेट विल बी गिविंग अस द बेनिफिट? अभी तक जो हमने एग्जाम्पल ली है, हमने टैक्स का रेट एज्यूम किया था 30%, है ना? ठीक, 30% हमारा क्या था, टैक्स का रेट था. वो कहता है अगर मार्केट में टैक्स रेट बढ़ जाता है, इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस, और आप डेट नहीं रेज कर रहे हो, उस केस में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन अगर मार्केट में टैक्स रेट बढ़ता है तो आप अपने डेट भी बढ़ा लेना, क्योंकि जितने ज्यादा डेट बढ़ाओगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर. राइट, अगर 30% आपका टैक्स रेट है और बोरोइंग 10% है, देखना 30% अगर आपका टैक्स रेट है, मतलब 30 रुपए टैक्स रेट है ना, 100 में से 30 आप पे करते हो, और 10% आपका क्या है,
कॉस्ट ऑफ डेट है, मींस डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है, तो 30 का मैंने 10% किया, तीन रुपए आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, किस में से, टैक्स में से। इट मींस कि अल्टीमेटली आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, 27%। एग्जांपल से करते हैं भाई, ऐसे नहीं समझ आना, लेट्स डू इट विद एन एग्जांपल। जैसे मैं एक्स लिमिटेड का केस ही बोलती हूँ, 4 लाख था, वही एग्जाम्पल लेते हैं। डन। पहले केस में डिबेंचर्स कुछ नहीं है, दूसरे केस में 10 लाख के डिबेंचर्स थे, मींस 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, तीसरे केस में 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पे 4 लाख का 4 लाख बचा, यहाँ पे 3 लाख, दिस इज व्हाट आफ्टर इंटरेस्ट एंड दिस इज व्हाट 2 लाख। अब 30% हमारा टैक्स का रेट है, जब मैं इसमें 4 लाख में से 30% माइनस करूंगी तो 1,20,000 आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, यहाँ पे आप 90% टैक्स पे करोगे और यहाँ पे आप इसी का 60,000 टैक्स पे करोगे। बैठे बिठाए फर्स्ट और सेकंड के केस में आपको 30,000 का क्या है, फायदा है। मान लो टैक्स का रेट 40% होता, मान लो टैक्स रेट बढ़ जाता है, तो पहले केस में आप कितना पे करते, 160, और दूसरे केस में आप कितना पे करते, 120, तो आपको 40,000 का क्या हो जाता, फायदा हो जाता, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप डिबेंचर रेस करोगे, मान लो यहाँ पे डिबेंचर आप 1.5 गुना रेस करते हो, तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपका माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट कम बचेगा, कम प्रॉफिट के ऊपर आप कम टैक्स पे करो। सो व्हेनेवर यू सी इन द मार्केट दैट द टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग, बेटर टू कीप द मनी विद योरसेल्फ और रेज मोर लोन इंस्टेड ऑफ पेइंग मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करने की बजाय आप मार्केट से लोन रेज कर लो और उनको इंटरेस्ट पे कर दो, क्योंकि उनको जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसने भी यही लिखा, सिंस इंटरेस्ट रेट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट, इफ द टैक्स रेट्स आर इंक्रीजिंग देन यू कैन अफोर्ड टू रेज मोर डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है, मार्केट में इक्विटी शेयर्स रेज करने के लिए आपको क्या क्या खर्चा करना पड़ता है, एंड सेकेंडली What equity shareholders expect from you? What are their expectations? वो आपसे कितना expect करते हैं? आम तौर पे अगर मैं crux बोलूं, तो financial risk debentures के case में ज़्यादा है, because they expect a higher rate of interest from us. Similarly, हमारे equity shareholders भी हमसे expect करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उन्हें regular dividend pay करें। तो आपने उनकी एक्सपेक्टेशन और उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी माइंड में रखना है, देन यू विल बी डिसाइडिंग कि मैं ज्यादा इक्विटी रेस करूं कि डिबेंचर। देखो इसने क्या लिखा, उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही वो स्ट्रेस कर रहा है। द स्टॉक ओनर्स मींस शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी विच इज कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग एज दे आर द एक्चुअल रिस्क बेयरर। कुछ बचेगा तो उनको मिलेगा, अगर लॉस होगा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दे ऑलवेज एक्सपेक्ट हायर देन द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स का तो एक फिक्स है, आपने बोल दिया 7% देना, तो आप 7% हर साल दोगे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो उनके पास बचता है सिर्फ उसके ऊपर ही उनका राइट रहता है, इसलिए जितना ज्यादा वो रिस्क बेयर करते हैं और कोई पार्टी बेयर नहीं करती, क्योंकि उनका बेयरिंग ऑफ रिस्क ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंपनी। सो व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट, फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जब आप अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर रेस कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए कम प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि आप ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, तो जितना भी बचता है कंपनी के पास उसके ऊपर दे एक्सपेक्ट अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, कॉन्सिक्वेंटली देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। इट इज फॉर दिस रीजन दैट कंपनी कांट यूज डेट बियॉन्ड अ पॉइंट। तो आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को भी माइंड में रखना है, आप जरूरत से ज्यादा डेट रेस नहीं करोगे, अदरवाइज द शेयर होल्डर्स विल गेट अनॉयड विद यू, और हो सकता है धीरे धीरे वो आपकी कंपनी के शेयर्स बेचने शुरू कर दे और मार्केट में आपकी रेपुटेशन डाउन आ जाएगी। सो बेटर है उनके इंटरेस्ट को भी माइंड में रखो, इसलिए जरूरत से ज्यादा डेट मत रेस करना, और जरूरत से ज्यादा मतलब 2:1 के प्रपोर्शन से कभी भी ज्यादा मत जाना। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज डेट शुड बी डबल देन इक्विटी, नथिंग मोर इज टू बी रेज इन द फॉर्म ऑफ डेट। फ्लोटेशन कॉस्ट भी फ्रॉम डे वन वी हैव डिस्कस्ड द कॉस्ट इनकर्ड टू रेज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट। आमतौर पे इक्विटी को रेस करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, डिबेंचर को रेस करने के लिए कोई प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। हम ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स डिबेंचर्स के लिए भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनकी कमीशन इस केस में कम रहती है, और डिबेंचर
आसानी से हमारे मार्केट में सेल हो जाते हैं। इक्विटी के केस में हमें एडवर्टाइजमेंट भी पे भी खर्च करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस पे भी खर्च करना पड़ता है, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को कमीशन भी देनी पड़ती है। सो इफ यू आर एबल टू स्पेंड लॉट ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट यू कैन गो विद इक्विटी, बट इफ यूर कैश फ्लो पोजिशन इज ऑलरेडी नॉट सो सॉलिड और आप इतनी फ्लोटेशन कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते तो डिबेंचर रेस कर लेना, क्योंकि डिबेंचर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहती है। गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट कॉस्ट सो मच, लेकिन मार्केट से इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेना हमारे लिए कॉस्टली अफेयर रहता है। सो दीज कंसिडरेशंस आर ऑल्सो टू बी केप्ट इन टू माइंड। रिस्क कंसिडरेशन, किस में रिस्क ज्यादा है? आमतौर पर डिबेंचर्स में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर अगर आपकी कंपनी लॉस में गई तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स एक इंटरेस्ट को पे करने के लिए हो सकता है आपको दोबारा से लोन लेना पड़े, बिकॉज दे विल कम एट योर कंसर्न, दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट योर कंपनी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच टाइप ऑफ बैड सिचुएशंस फॉर योर कंपनी यू हैव टू टेक अ फ्रेश लोन, और उन हालातों में कोई आपको लोन देने को तैयार भी नहीं होगा, तो उस केस में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की अफेयर हो जाता है आपके बोरोड फंड्स। तो देन यू हैव टू रिलेट योर रिस्क कंसिडरेशन विद द चॉइस ऑफ योर डेट एंड इक्विटी। देखो इसने क्या लिखा, एज डिस्कस्ड अर्लियर द यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क इन टर्म्स ऑफ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो एनहांसेस फ्रॉम द कंपनी। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन, ये आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क, अंडरलाइन करो और सर्कल करो। Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its financial charges like interest payment on loans or on borrowings, preference dividend bhi equity se pehle pay karna hota hai, kisi loan ki repayment aap time pe nahi kar rahe ho. So apart from financial risk, every business has some operating risk, aur operating risk ka dusra naam business risk bhi hai. Business risk ka matlab kya hai? Business risk depends on operating cost. जितनी ज्यादा आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, लाइक रेंट आप पे कर रहे हो, सैलरी आप पे कर रहे हो, उतना ज्यादा बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा। सो टोटल रिस्क डिपेंड्स अपॉन बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। अ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, इट्स कैपेसिटी टू यूज डेट इज मोर एंड वाइस वर्सा। अगर आपके बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क दोनों कम है तो आप ज्यादा डेट रेज कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी अगर फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क आर एट टॉप then you can't afford to raise more debt. उस केस में आपको under compulsion equity ही raise करनी पड़ेगी। Flexibility, अगर already company ने debt 2:1 की capacity तक raise कर लिया है, already आपका debt equity के comparison में double चल रहा है, तो आपके पास और कोई option ही नहीं है, आपको under compulsion equity ही raise करनी पड़ेगी whenever you need more money. Control, if the company wants to dilute the control, company equity jyada raise karegi. If the company wants to maintain the control in few hands only, then company can raise more debt, because the debenture holders, they never enjoying any type of voting rights and controlling powers. Unke paas na koi voting right hota hai, na koi controlling power hoti hai. They are the creditors of the company. Regulatory framework, sab kuch aapne अपने हिसाब से नहीं सोचना। Sometimes certain provisions are there, certain laws are there, which are either being prescribed in our Companies Act or that are being prescribed by SEBI. तो हमारे stock exchanges और SEBIs ने भी कुछ restrictions लगाई होती हैं, उनको भी follow करते हुए आपने decide करना है कि मैं ज्यादा debt के ऊपर depend रहूं कि equity के ऊपर। देखो क्या लिखा इसने, every company operates within a regulatory framework provided by the law, like rules and regulation, public issue of shares, debentures, SEBI ने कुछ guidelines बनाई हैं. Raising funds from banks and financial institutions से जब आपने loan लेने हैं तो इन norms को follow करना होता है. So relative ease with which these norms can be met or the procedures completed may also have a bearing upon the choice of the source of finance. कितनी easily आपके लिए norms को पार करना है आसान, और अगर ये सारे नॉर्म्स आपके लिए डिफिकल्ट हैं, शेयर्स को रेज करना इज अ कंबर्सम जॉब फॉर यू, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर यू, और बैंक से लोन लेना आपको 2 मिनट्स में मिल जाता है, तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग विद मोर बोरविंग। ठीक है, फिर से वही बात है, अगर बोरविंग ऑलरेडी आपकी एग्जॉस्टेड लिमिट पे है, 2:1 की लिमिट पे है, तो फिर आपको इक्विटी ही रेज करनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, अगर स्टॉक एक्सचेंज में बूम पीरियड चल रहा है,
लोग आपके शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, तभी आप ज्यादा इक्विटी रेस कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, ऑलरेडी कंपनीज के शेयर के प्राइसेस डाउन चल रहे हैं, उस केस में आपको जब पैसे की ज्यादा जरूरत है तो आपको लोन और बॉरोइंग से ही पैसा मैनेज करना होगा। कई बार आप अपने कॉम्पिटिटर्स की कैपिटल स्ट्रक्चर को भी बेस बनाते हो कि मेरे कॉम्पिटिटिव कंपनी जो है उसने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी रखी है, तो आप कई बार उसको भी फॉलो करने की कोशिश करते हो या उससे बेटर बनाने की कोशिश करते हो। सो वंस दिस थिंग इन योर माइंड, यू कैन फॉलो ईदर देयर पैटर्न और यू कैन फॉलो अ रिवर्स पैटर्न ऑफ योर कॉम्पिटिटिव कंसर्न। सो दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर डिसीजन टू रेस मोर डेट और टू रेस मोर इक्विटी। डन। दो पॉइंट हमने छोड़े हैं, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो हमारे रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में नहीं थी, बट ICR हमारे सिलेबस में था। मैं पहले वो फॉर्मूला करवाती हूँ आपको, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ उसे रिलेट करूंगी, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लेट्स प्रोसीड। दिस पीरियड विल बी ओवर एट 12, हाँ अभी 10 मिनट्स है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR ही इज कॉलिंग इट, हायर द कवरेज रेशियो मोर विल बी द मार्जिन टू द क्रेडिटर्स और टू द लेंडर्स। ये हम लोगों ने वहां पे सिग्निफिकेंस में पढ़ा था, मीन्स जितना ज्यादा इस रेशियो का आंसर हाई आएगा उतना ज्यादा मार्जिन है मेरे लेंडर्स के पास, वो हैप्पीली मेरे को और ज्यादा लोन देंगे। इट मीन्स कि जब कभी भी मैं बैंकर्स को लोन के लिए अप्लाई करती हूँ, दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो। वो हमेशा ICR निकाल के रखेंगे और निकालेंगे और देखेंगे कि ICR कितनी है इस कंपनी की। हायर द ICR विल बी एन इंडिकेटर और अ पैरामीटर टू गेट मोर लोन्स फ्रॉम द मार्केट। व्हाट वाज इट्स फॉर्मूला? EBIT डिवाइडेड बाय फिक्स्ड। ये टाइम्स में रहता था आंसर, ये भी आपको याद होगा, दो जैसे सॉल्वेंसी रेशियो, बट इट्स आंसर वॉज ऑलवेज इन टाइम्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, डन। जैसे मैं एक्स लिमिटेड का केस ले रही हूं और केस नंबर टू ले रही हूं, सिचुएशन नंबर टू, एबिट 4 लाख थी और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस कितना था? 1 लाख इंटरेस्ट पे करती थी एक्स लिमिटेड, सो इट वॉज 4 times। मीन्स अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख भी हो जाता है, 3 गुना कम भी हो जाता है, तो भी आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर लोगे। हैड इट बीन 9 लाख और आपका इंटरेस्ट 1 लाख ही रहता, तो 9 times वेरी हाई रेशियो। आपका प्रॉफिट रिड्यूस होके 9 लाख से 1 लाख पे भी आ जाएगा, तो भी आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर लोगे। सो इफ योर कंपनी इज एंजॉयिंग अ वेरी हाई ICR, देन योर बोरोइंग कैपेसिटी विल बी मोर। आप मार्केट से आसानी से लोन रेज कर सकते हो। देखो इसने क्या लिखा, हाँ, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने बोला ना टाइम्स में आंसर आएगा। The earning before interest and tax covers the interest obligation. How many times your earning before interest and tax covers your interest obligation? कितने times आपका profit ज्यादा है आपके interest के comparison में, that matters here. So higher the ratio, lower shall be the risk of the company failing to meet its interest payment. उसने reverse line लिख दी, कहता जितनी ज्यादा ये रेशियो हाई होगी उतना आपका रिस्क कम होगा कि आप पेमेंट अपनी इंटरेस्ट की टाइम पे नहीं कर पाओगे। और मैं इसे बोलती हूँ, हायर द रेशियो बेटर विल बी द कंपनीज पोजीशन टू पे इट्स इंटरेस्ट चार्जेस एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा बहुत आसानी से कंपनी अपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर लेगी, क्योंकि कंपनी के पास ढेरों प्रॉफिट पड़ा है, अल्टीमेटली प्रॉफिट में से तो इंटरेस्ट देना है। So in that case, you will be raising more debt from the market. If reverse happens, for example, if answer comes only 1 times, जैसे वहां पे आया, कंपनी ने earn ही कितना किया, 2 लाख और 2 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 0 है ICR, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1 time ही आ रहा है, तो उस केस में आपके लिए और ज्यादा बोरोइंग मार्केट से रेस करना ना के बराबर है, पॉसिबिलिटी बहुत कम। इसी रेशियो को उसने थोड़ा सा इसका elaborated version पेश किया है, which we call, we don't pay only to the debenture holders or to the bankers in the form of interest, we pay to the preference shareholders in the form of dividend, wo bhi equity se pehle, theek hai, we spend upon certain non operating expenses like depreciation. To agla thoda sa usne elaborated version rakha, which he calls debt service
कवरेज रेशियो DSCR, उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो में हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, ये कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स की पेमेंट करने के बाद वाला प्रॉफिट लो, उसमें नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी ऐड कर दो, यहाँ पे एबिट लेना था यहाँ पे आफ्टर टैक्स लेना है, प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंस लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ एटसेट्रा। तो न्यूमेरेटर में थोड़ी सी उसने चेंजेस करी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। डिनोमिनेटर में आपने प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेना है क्योंकि उनकी भी पेमेंट इक्विटी से पहले होती है, आपने इंटरेस्ट भी लेना है, और अगर आपकी कोई रीपेमेंट ड्यू है लाइक लोन की रीपेमेंट आपकी ड्यू है या डिबेंचर होल्डर्स का मेच्योरिटी टाइम पीरियड आ गया है तो वो भी आपने नीचे डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेना। सो हायर द रेशियो वंस अगेन योर डेट सर्विंग कैपेसिटी इज बेटर, आप ज्यादा डिबेंचर रेस कर सकते हो, ज्यादा बोरोइंग रेस कर सकते हो, बट वंस इट इज पुअर, कम आ रही है ये रेशियो, तो आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ज्यादा डेट रेस करने की। देखो लिखा उसने, अ हायर DSCR इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज डेट कॉम्पोनेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। टू टाइम्स है बहुत कम है, फाइव टाइम्स है टॉलरेबल है, तो फाइव टाइम्स के केस में आप और ज्यादा डिबेंचर रेस कर सकते हो। सिर्फ एक अलैबोरेटेड वर्जन उसने हमारे आगे प्रेजेंट किया है, दैट इज डोंट टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज अ न्यूमेरेटर ओनली, डिडक्ट योर टैक्स फ्रॉम योर प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्चुअली हम किसी को पे नहीं करते तो वो एड कर दीजिए, इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो मैंने डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेना है तो आपने वो भी एड कर देना, और नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हमारे कभी कैश का आउटफ्लो नहीं दिखाते तो वो भी एड बैक कर दीजिए। नीचे थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन है, इंटरेस्ट तो लेना ही है लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट से पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करते हैं, अगर कोई लोन की पेमेंट और रीपेमेंट हमारी ड्यू है तो वो भी हम लोगों ने बीच में ऐड करना है। हायर द रेशियो बेटर विल बी द कंपनीज पोटेंशियल, और कंपनीज पोटेंशियल विल बी क्वाइट हाई टू रेज मोर डेट फ्रॉम द मार्केट। सो लाइक दैट वे यू नीड टू एक्सप्लेन, वी हैव 10-12 पॉइंट्स व्हिच आर द मेजर कंसीडरेशंस टू डिसाइड वेदर टू रेज मोर इक्विटी और टू रेज मोर डेट फ्रॉम द मार्केट। वी हैव 14 पॉइंट्स। द लास्ट टॉपिक वी विल बी पिकिंग टुमारो व्हिच इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ बिगनिंग। फिक्स्ड कैपिटल इज द अमाउंट विच वी स्पेंड टू बाय आर फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच वी रिक्वायर फॉर आर डे टू डे ऑपरेशंस, अपने डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए स्मूथली चलाने के लिए जो हमें कैपिटल डेली चाहिए हम उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो इसका मीनिंग हमारे सिलेबस में है और इसके फैक्टर्स हमारे सिलेबस में, दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो।